वेलकम बैक स्टूडेंट्स. लेट्स डू द नेक्स्ट डिटरमिनर्स क्वांटिफायर्स. दे डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट नंबर अमाउंट ऑफ द प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन. ये वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो किसी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन की अनुमानित नंबर या फिर मात्रा को डिटरमाइन के लिए यूज करते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर आर. कुछ क्वांटिफायर्स हैं के एग्जाम्पल हैं सम, एनी, मच, मैनी, मोर, लिटल, फ्यू, लेस. सम इज यूज्ड, सम का यूज़ करते हैं विद एफर्मेटिव वर्ब्स. एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, लाइक शी बोट सम बटर, उसने कुछ बटर खरीदा. इन क्वेश्चंस वेयर यस इज एक्सपेक्टेड एज आंसर, जहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आंसर यस में एक्सेप्ट किया जाता है, उसके लिए भी हम सम का यूज़ करते हैं. जैसे डिड सम ऑफ यू हियर द बेल, क्या तुमने बेल सुनी. इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, या किसी ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए जिसकी सेंस पॉजिटिव हो. वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, कुड यू लैंड मी सम मनी. एनी इज यूज्ड, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है. जैसे आई हैवेंट गोट एनी मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है. विद हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं. हार्डली मुश्किल से, बेयरली, स्कार्सली, इन सभी का मीनिंग ही मुश्किल से होता है. आई हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ हर एक्टिविटीज़, मुझे बड़ी मुश्किल से उसकी एक्टिविटीज़ की नॉलेज है. इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव यू गोट एनी प्रॉब्लम. नॉट सम वैन यूज्ड विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो सम का यूज किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. मीन्स अनस्पेसिफाइड और अननोन, जो हमारे लिए अनस्पेसिफाइड होता है या फिर अननोन होता है, जिसको हम नहीं जानते. सम इडियट कीप्स कॉलिंग मी ऑन माई सेल फोन. एनी कैन मीन प्रैक्टिकली एवरी और नो पार्टिकुलर वन, ये किसी पार्टिकुलर एवरी या पार्टिकुलर एवरी, सॉरी, पार्टिकली एवरी सभी के लिए विशेष या फिर किसी के लिए विशेष नहीं. लाइक एनी स्टूडेंट्स कैन गेट टू द टॉप विद हार्ड वर्क, काफ़ी कठिन मेहनत के बाद भी कोई स्टूडेंट टॉप कर पाता है. लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. वी क्लियर दिस कंसेप्ट. सम का यूज किसके लिए किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में. और एनी का यूज कब किया जाता है, नेगेटिव सेंस में, या फिर उस क्वेश्चन में जिसका आंसर हम यस में एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उसके लिए ये सम का यूज करते हैं. या फिर एफर्मेटिव, जिसमें वर्ड आ जाए हार्डली, बेयरली, यानी कि मुश्किल से अगर कोई काम हो, तो उस सेंस में किसका यूज़ किया जाता है, एनी का. लिटल किसके लिए यूज़ होता है, लिटल, अ लिटल, द लिटल. डोनेट क्वांटिटी एंड आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ये क्वांटिटी को डोनेट करते हैं, मात्रा को, और किसके साथ, किससे पहले यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले. फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, डोनेट्स नंबर एंड आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन. और जबकि जो फ्यू है, आ फ्यू है, द फ्यू है, वो किससे पहले यूज़ किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले. और लिटिल, आ लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन. फ्यू का यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए सम का यूज किया जाता है, सॉरी, लिटल. लाइक फ्यू, फ्यू थ्री टाइप्स से होता है, आ फ्यू, फ्यू, या फिर द फ्यू.
लिटल, अ लिटल, लिटल या द लिटल। फ्यू का यूज होता है, सॉरी हाफ फ्यू, सम बट नॉट मैनी। फ्यू की जगह हम मैनी का भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है और मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए। सम यानि कि कुछ है, बट नॉट मैनी लेकिन ज़्यादा नहीं। फ्यू का यूज हार्डली एनी, मुश्किल से कुछ, यानि कि ये पूरा ही नेगेटिव सेंस होता है, ये हमारे पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। द फ्यू, नॉट मैनी, बट ऑल अवेलेबल। नोट मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन जितना भी है वो सभी, जितना हमारे पास है लेकिन ज़्यादा नहीं। अ लिटल, सम बट नोट मच, लिटल, हार्डली एनी, द लिटल, नॉट मच, बट ऑल दैट इज अवेलेबल। ज्यादा नहीं लेकिन जितना हमारे पास है वो सारा। लुक सम एग्जाम्पल्स लाइक आ नॉलेज is a dangerous thing, यानि कि नॉलेज हमारे लिए डेंजरस थिंग है, खतरनाक है। कौन सी? अ लिटल, अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। अनकाउंटेबल के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिटल का, जिसको हम माप नहीं सकते, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? आ लिटल। क्यों? आ लिटल मीन्स क्या होता है? सम बट नॉट मच, कुछ नॉलेज तो है लेकिन पूरी नहीं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज। अब क्या आया हुआ है? डेज है, काउंट कर सकते हैं, तो किसका यूज करेंगे? फ्यू का। फ्यू का यूज कौन से नाउन के लिए होता है? काउंटेबल नाउन के लिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज मीन्स इसमें किसका यूज कर सकते हैं? सम बट नॉट मैनी, कुछ दिनों के लिए लेकिन ज़्यादा नहीं, तो किसका यूज करेंगे? आप फ्यू। थर्ड डैश वॉटर आई कैप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। अभी यहाँ पे कौन सा वर्ड आया हुआ है? वॉटर का यूज आया हुआ है। वाटर क्या होता है हमारा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल में आता है वाटर। द वाटर आई कैप्ट, जो मैंने रखा फॉर यू तुम्हारे लिए, हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, वो उसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया, यानि कि कुछ मात्रा तो थी लेकिन ज़्यादा नहीं, तो किसका यूज़ करेंगे? द लिटल। फोर द शो
वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपल टर्न्ड अप टू सी इट. द शो वॉज कैंसल्ड, शो को कैंसल किया गया, कर दिया गया. एज डैश पीपल टर्न्ड अप टू सी इट, यानी कि पीपल पहले तो हम चेक करेंगे कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन है तो किसका यूज होगा, फ्यू का. अभी यहाँ पर सेंस कैसी है कि जो शो है उसको कैंसिल कर दिया गया, तो मुश्किल से कमी पीपल यानी कि उसको देखने के लिए पहुँचे, तो किसका यूज होगा, फ्यू. हार्डली एनी, मुश्किल से कोई व्यक्ति ही उसको देखने के लिए वहाँ पर पहुँचा. आई थिंक यू क्लियर द कंसेप्ट. गो बैक टू द बुक. लिटल फ्यू डोनेट्स इनफाइनेटली स्मॉल और लैक ऑफ समथिंग. जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है उसके लिए लिटल या फिर फ्यू का यूज किया जाता है. दे आर ऑलमोस्ट नेगेटिव, इनकी सेंस कैसी होती है, नेगेटिव इन मीनिंग. देर वॉज लिटल होप फॉर द पेशेंट, पेशेंट के जो बचने की उम्मीद है वो कितनी है, लिटल है, यानी कि बहुत कम है. देर आर फ्यू पीपल हु विश टू बाई ए स्मॉल कार, बहुत कम लोग हैं जो छोटी गाड़ी को खरीदना चाहते हैं. अ लिटल आ फ्यू, अ लिटल कन्वे द आइडिया ऑफ ए स्मॉल अमाउंट, ये काफ़ी छोटी अमाउंट को कन्वे करते हैं. एंड आ फ्यू कन्वेज द आइडिया ऑफ ए स्मॉल नंबर, दे हैव ए मोर पॉजिटिव मीनिंग, और इनका मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव. और फ्यू कौन से आइडिया को, ये भी स्मॉल नंबर को, ये अमाउंट को शो करता है और ये नंबर को. लुक द एग्जाम्पल्स, अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ फ्यू मेम्बर्स वर अबसेंट फ्रॉम द मीटिंग, कुछ मेम्बर्स मीटिंग से अबसेंट थे. द लिटल द फ्यू, बोथ द लिटल एंड द फ्यू इंडिकेट एन अमाउंट और नंबर विच इज नॉट मच बट इज ऑल ऑफ द अवेलेबल, यानि कि ज़्यादा नहीं लेकिन जितनी अवेलेबल है वो सभी. दे आर फॉलोड बाई अ रिलेटिव क्लोज, ये रिलेटिव क्लोज में फॉलो किए में यूज किए जाते हैं. इन विच दैट इज ओमेटेड, और वहाँ से दैट को ओमिट कर दिया जाता है यानी कि हटा दिया जाता है. द लिटल मनी ही हैड वॉज स्पेंट ऑन हिज वाइफ्स इलनेस, यानि कि जितना भी उसके पास धन था वो उसने सारा अपनी वाइफ की बीमारी पर स्पेंट कर दिया, ख़त्म कर दिया. द फ्यू स्पेक्टेटर्स हु केम टू सी द मैच, यानी कि बहुत कम स्पेक्टेटर्स आए मैच को देखने के लिए. वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन निराश हुए विद इंडियाज बैटिंग, इंडिया की बैटिंग से. मच मैनी, इन दोनों का यूज लिटल और फ्यू दोनों के सेंस में होता है, यानी कि जहाँ पर हम लिटल का यूज करते हैं वहाँ पर मच का यूज किया जा सकता है, और फ्यू सेम हमारा मैनी की तरह यूज होता है. बोथ मच एंड मैनी कैनवे द आइडिया ऑफ अ लोट ऑफ, दोनों का आइडिया किसको करता है, आ लोट ऑफ, बहुत ज़्यादा. मच इज यूज विद एन अनकाउंटेबल नाउन, मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है. एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और वर्ब हमारी कैसी होती है, सिंगुलर. मच का यूज किसके साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और इसके साथ वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब. और जबकि जो मच है उसका यूज किसके साथ होता है, काउंटेबल, सॉरी मैनी. मैनी का यूज किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए. और नाउन कैसा होगा हमारा, प्लूरल. और इसके साथ कौन कैसी वर्ब आती है हमारी, प्लूरल वर्ब. द एक्सप्रेशन मैनिया विच मीन्स द सेम एज मैनी इज फॉलोड बाई ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. हम कई बार मैनी का भी यूज करते हैं लेकिन इसका जो मीनिंग है वो सेम मैनी की तरह ही रहता है. और फॉलोड बाई इसके साथ हम कौन से काउंटेबल को यूज, सॉरी
सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज इसके साथ करते हैं एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। लेकिन मैनी का यूज हम किस किस फॉर्म में करते हैं, दोनों ही प्लूरल होते हैं, ये भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन मैनी आ इसके साथ जो नाउन आता है काउंटेबल होगा, सिंगुलर काउंटेबल। और प्लस सिंगुलर वर्ब। लुक द एग्जाम्पल्स, मच नीड्स टू बी डन इमीडिएटली। मच नीड्स टू बी डन इमीडिएटली, कुछ जरूरतों को जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। मैनी जॉब्स नीड्स टू बी डन इमीडिएटली। और कुछ जॉब, यहाँ पर जॉब्स आया हुआ है तो किसका यूज करेंगे, हमारी प्लूरल फॉर्म है, काउंटेबल है और काउंटेबल नाउन है, लेकिन जॉब्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो किसका यूज़ करेंगे, मैनी का। मैनी आ जॉब, अभी यहाँ पर मैनी आ जॉब आया हुआ है, आ जॉब है, तो इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, मैनी का। मैनी आ नीड्स, जो हमारी वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर, टू बी डन इमीडिएटली। नोट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ मच एंड मैनी आर मोर एंड मोस्ट। हमारे जो कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म है मच की, मच एंड मैनी की, दोनों की कौन सी होती है, मैनी और मच, दोनों की ही जो कंपेरेटिव है वो मोर होती है और सुपरलेटिव मोस्ट होती है, यानी कि मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट। मोर लेस फ्यूअर, मोर लेस फ्यूअर आर कंपेरेटिव डिटरमिनर्स। ये कंपेरेटिव यानी कि कंपेरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। मोर इज यूज बिफोर प्लूरल, मोर किससे पहले यूज होता है, प्लूरल से, एंड काउंटेबल नाउन से, फॉलोड बाई देन, और देन से फॉलो किया जाता है, टू रेफर टू ए क्वान्टिटी और अमाउंट, किसी क्वान्टिटी या अमाउंट को, ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की, विच इज ग्रेटर देन अनदर, जो दूसरी अमाउंट से ग्रेटर होती है। इट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू एन एडिशनल क्वान्टिटी, या एडिशनल क्वान्टिटी के लिए भी किया जाता है, लेकिन उसमें देन का यूज नहीं करते। लुक द एग्जाम्पल्स, ही डज मोर वर्क देन आई डू, वह मुझसे ज़्यादा वर्क करता है, इसमें देन का यूज हुआ है और साथ में किसका हुआ है, मोर का। हमारी जो क्वान्टिटी है या अमाउंट है वो ज़्यादा है। His visit might do more harm than good, यानि कि अच्छे के बजाय उसकी कि जो विजिट है वो दुखदाई होती है। More officers will be appointed when need arise, जब हमें ज़्यादा जरूरत होती है तो more officers को appoint कर लिया जाना चाहिए। Less is used to refer to an amount of something that is smaller than another amount. Less का use कब किया जाता है, जब हमारी amount दूसरी amount से छोटी होती है। It is usually used before uncountable noun, और ये uncountable noun से पहले use की जाती है। जो more का use किस से पहले होता है, हमारा plural uncountable noun से पहले, और ये फॉलो किया जाता है देन से। और जबकि जो लेस है वो कब यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे द पुअर हैव लेस एक्सेस टू एजुकेशन, जो पुअर होते हैं उनकी एजुकेशन तक पहुंच बहुत कम होती है। एक्सेस को, यहाँ पर एक्सेस के लिए किसका यूज हुआ है, लेस को, लेकिन इसको नाप नहीं सकते कि कितनी, तो ये अनकाउंटेबल है, तो किसका यूज होगा, लेस। ही फाइंड्स लेस टाइम फॉर हिज हॉबीज, उसे अपनी आदतों के लिए बहुत कम समय मिला। फ्यूअर इज यूज टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज स्मॉलर देन अनदर ग्रुप बिफोर प्लूरल नाउन्स। फ्यूअर का यूज ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए को रेफर करता है, यानी कि कोई ग्रुप दैट इज स्मॉलर, जो छोटा होता है दूसरे ग्रुप से, बिफोर प्लूरल नाउन, और किससे पहले यूज किया जाता है, ये प्लूरल नाउन से। जैसे दीज आर फ्यूअर ट्रीज हेयर, यहाँ पर बहुत कम वृक्ष हैं। देयर आर ट्रीज, काउंटेबल है, और क्या है, प्लूरल, काउंटेबल नाउन।
इनके साथ यानी कि ग्रुप के साथ, ग्रुप ऑफ थिंग्स के साथ इसका यूज़ किया जाता है उनकी कमी को दर्शाने के लिए। आई होप यू क्लियर द क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स। टुडेज वर्क इज़ टू डू द क्लासरूम असाइनमेंट 42। थैंक यू।